एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहान एंपायर व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और ये हमारी चैनल का फर्स्ट हॉल वीडियो है। एक्चुअली मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे और जो कि किचन के लिए बहुत सारे यूजफुल हो सकते हैं, सो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मैंने एक साथ मंगवाई है, सो वन बाय वन करके दो तीन दिनों में सभी प्रोडक्ट्स मेरी आ चुकी है। सो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना देते हैं, हॉल वीडियो। और देखिए, अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है, सो पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है सारे ही प्रोडक्ट्स की। चलिए, मैं ऐसा चाहती थी कि फर्स्ट हॉल वीडियो है, सो आपके सब लोगों के साथ ही मैं इसे ओपन करूँगी और वन बाय वन करके हम सारे ही प्रोडक्ट्स देखेंगे। और वैसे भी ये सारे ही प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज़ थे वो बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। अब इसको देखते हैं, फिर यूज़ करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कैसे है। वैसे ये सारे ही जो प्रोडक्ट्स है वो 90 to 350 के बीच के ही ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ 7-8 प्रोडक्ट्स हैं जो, चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो आइए सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं पहली प्रोडक्ट को, जिसमें कुछ ग्लास के आइटम्स लग रही है। एक्चुअली मैंने 2 से 3 कुछ ग्लास के आइटम्स मंगवाए हैं, सो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। वैसे इसका पैकेजिंग काफ़ी सही है, देखिए अंदर से भी काफ़ी परफेक्ट इसको पैक करके रखा है। और इसके अंदर से जो भी चीज़ निकली थी ये मुझे बहुत ही स्पेशली पसंद है। मुझे लगता है कि ये सारे ही जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुझे वही पसंद है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से देखिए तो ये बहुत ही सस्ती, मतलब समझिए 270 रुपीज़ के मुझे ये 2 फ्लावर वास मिले थे, कैक्टस वाले, और ग्रीन कलर है इसका। और क्वालिटी काफ़ी सही है, मतलब पिक्चर्स में तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, उससे अच्छा तो ये रियल में लग रहा है। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, और इसकी शाइन भी परफेक्ट है, कलर भी काफ़ी सही है, एकदम से ट्रेंडिंग है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर फ्लावर्स रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे 270 में इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था, तो इसको आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि है एक ऑयल की बोतल, ग्लास की बोतल है ये, और जैसे पिक्चर में दिखाया गया था बिल्कुल सेम टू सेम ये वैसे ही मुझे रिसीव हुई है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 550 ml की, और इसका ढक्कन भी काफ़ी सही है। और यहाँ पे देखिए अंदर एक रबर की जो वाल होती है ताकि इसमें से ऑयल जो है वो लीक ना हो, एंड यूज़ करने में भी बहुत ही सही है। देखिए इस तरह से उसका ढक्कन लगा दीजिए, और उसका ऊपर का जो मुंह है वो काफ़ी चौड़ा है, तो इसको अंदर से साफ़ करने के लिए भी बहुत ही आसानी रहती है। और जैसे इसको हमें यूज़ करना है तो हम इसको देखिए इस तरह से मोड़ते हैं तो ढक्कन अपने आप खुल जाता है, उसके बाद जैसे ही बोतल सीधा करते हैं तो वो अपने आप सीधा हो जाता है, हमें ढक्कन को टच करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। सो ये बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट हो सकती है। एंड यहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट है जो कि है किचन और घर को क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा एक मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। और ये देखिए साइज़ इसकी एकदम से कॉम्पैक्ट है, इसको आप चाहो तो कार में भी रख सकते हैं, एंड घर में भी कहीं पे भी हमें इसे यूज़ करना हो उसके बाद इसको इस तरह से समेट के अगर कहीं पे भी रखना है तो वो बहुत ही कम जगह में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये मुझे मिला था 170 रुपीज़ का ओनली फ्रेंड्स। और देखिए इसको जैसे भी चाहो हम मोड़ सकते हैं, जैसे हमारी जो POP सीलिंग रहती है उसमें कुछ डिज़ाइन रहती है तो अपने हिसाब से मोड़ के अभी आप अंदर तक क्लीन कर सकते हैं। पंखे भी है, बहुत ही आसानी से हम इससे क्लीन कर सकते हैं। और इसकी हाँ, इसका जो फर है ये भी काफ़ी सही है, और मैंने तो इसको जब आया उसी दिन यूज़ भी कर लिया था तो काफ़ी सही है, काफ़ी, मतलब मैं ऐसा बोलूँगी कि आपको एक बार तो इसको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ओनली 170 रुपीज़ का है। और दूसरा देखिए साइज़ भी बहुत ही बढ़िया है, रेगुलर डस्टिंग के लिए भी काफ़ी सही है, और उसके साथ साथ अगर ऊपर की सीलिंग को हमें क्लीन करना है तब तो ये बहुत सही है। देखिए जैसे हमारे पहले सेल्फ स्टिक आती थी उसी हिसाब से हम इसको लंबा कर सकते हैं, और नीचे फ्लोर से लेके कि इतनी हाइट कितनी है, और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर से ये इतना हम लंबा कर देते तो ऊपर से मुड़ जाता है, बिल्कुल ये एकदम से सीधा रहता है और काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एक बार इसे मंगवा के देख लीजिएगा, ज़रूर पसंद आए तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रोडक्ट की ओर। यहाँ पे है मेरे पास एक मैंने ब्रशेज़ मंगवाए हैं, एक्चुअली इसमें 3 प्रकार के ब्रश आते हैं, नाइलॉन, स्टेनलेस स्टील और ब्रास के, और ये अलग अलग सरफेस के लिए क्लीन करने के लिए मैंने मंगवाए हैं। एक्चुअली मैंने जो स्टील वाला है, नाइलॉन वाला ब्रश है, उसको मैं अब मेरा जो गैस का स्टोव है उसके आसपास जो
ख़राब हो जाते हैं ना, एकदम काली काली मेश आ जाती है, उसे ही स्पेशली क्लीन करने के लिए मैंने इसे मंगवाया है। काफ़ी सही है और ओनली 90 रुपीज़ का आया था। और उसके साथ साथ ये मंगवाया है मैंने, एक क्लीनिंग सॉल्यूशन है किचन के लिए, जैसे गैस है, चिमनी है, जहाँ पे ज़्यादा ऑयल रहता है, ज़्यादा ग्रीस जमा हो जाता है, वहाँ पे इसको बस स्प्रे कर दीजिए। और इसके साथ यहाँ पे देखिए स्प्रे और इस तरह से साथ में ही सारी चीज़ें आई है। ढक्कन निकाल के बस इसको लगा दीजिए और स्प्रे कर दीजिए, 5-10 मिनट रहने दीजिए और उसके बाद आसानी से आप इसको क्लीन कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वैसे ये प्रोडक्ट अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, सो इसके बारे में आपको मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, बट इसके रिव्यू काफ़ी सही थे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वेइंग मशीन। ये एक्चुअली मेड इन चाइना है और ये 10 kg इसकी कैपेसिटी है और मुझे ये पड़ा था 223 रुपीज़ का। और यहाँ पे लोकल मार्केट में मैंने इसे पूछा तो मुझे सारी जगहों पे 400 या 500 का ये मुझे पड़ रहा था, सो मैंने इसको मीशो में से ऑर्डर किया है। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी मैं इसका यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने मंगवाया है। और उसके साथ साथ अगर आप किचन में बेकिंग ज़्यादा करते हैं, जैसे केक वगैरह बनाए, तो मेज़रमेंट के लिए ये बहुत ही सही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ड्राई फ्रूट कटर है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ड्राई फ्रूट कटर लेने के लिए, बट क्या होता है कि हर बार मैं भूल जाती हूँ एंड जब भी मुझे ड्राई फ्रूट की ज़रूरत पड़ती है तब मुझे याद आता है। सो देखिए ये मुझे पड़ा था ओनली 97 रुपीज़ का, पिक्चर में दिखाया गया है, बिल्कुल वैसी ही प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई है। और इसका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है और नीचे जो ब्लेड थी वो थी स्टेनलेस स्टील की ब्लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है एक सीसम वुड की एक ट्रे है। एक्चुअली इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप इसको इसके ऊपर पानी के ग्लास सर्व कर सकते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह सर्व कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर कुछ डेकोर के आइटम्स रख सकते हैं। अगर आप चाहो तो किचन में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए, जैसे समझ लीजिए ग्लास की जो ऑयल बॉटल्स है, जो हम नमक के लिए अलग से बॉटल्स रखते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप इसके ऊपर अरेंज करके रख सकते हैं। और या फिर इसको कोई होम डेकोर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ फ्लावर वास भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसका कैसे यूज़ करती हूँ, मैं अपने आगे के वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 300 रुपीज़ का ये आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मैंने मंगवाई है किचन के लिए। आप सब अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप सबको ही पता होगा कि मैं सारे ही कांच के जो बर्तन रहते हैं वो सिंक में ही उसे वॉश करती हूँ, और बाकी सारे जो मेरे स्टील्स वगैरह के जो बर्तन रहते हैं वो मैं किचन के बाहर जो वॉश एरिया है वहाँ पर रखती हूँ। सो स्पेशली इसे मैंने रखा है किचन के अंदर रखने के लिए। ये एक्चुअली प्लास्टिक का है और मुझे पड़ा था ये 250 रुपीज़ का। और इसके साथ दो अटैचमेंट्स अलग से दिए गए हैं, जिसमें से एक को हम चम्मच वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से इसको लगा दीजिए, और दूसरा हम सिंक के पास हमें नीचे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लगाना है। और यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर इस तरह से प्लेट्स वगैरह हम लगाते हैं, सो उसका सारा ही पानी नीचे ट्रे में आ जाता है एंड ट्रे में से देखिए यहाँ से पानी जो है वो नीचे सीधा ही सिंक में आ जाता है, तो हमारा पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो ख़राब नहीं होता। एंड जब मैं अभी ये वीडियो एडिट कर रही थी उस टाइम पे एक लास्ट प्रोडक्ट मेरा रिसीव हुआ था, एक्चुअली कुछ डिलीवरी में प्रॉब्लम हो गया था इसलिए ये प्रोडक्ट कल तक मेरा नहीं आया था, बट ये भी काफ़ी यूज़फुल किचन के लिए मैंने प्रोडक्ट मंगवाए थे। ये एक्चुअली मैंने 300 रुपीज़ की मंगवाई थी 6 ग्लास की बॉटल से, और इसका ग्लास बहुत ही सही है, बिल्कुल पतला ग्लास नहीं है, एकदम से जो मोटा वाला ग्लास आता है उस टाइप का इसका ग्लास है और काफ़ी अच्छी है, लंबी भी है। और इसको मैंने यूज़ एक्चुअली फ्रिज में ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए मैंने इसको मंगवाया है। अब देखती हूँ कोई और यूज़ करूँगी या बट फिलहाल के लिए तो बस ये ड्राई फ्रूट के यूज़ के लिए ही है। और इसका ऊपर का जो ढक्कन है वो मेटल का आता है, ये ब्लैक कलर में है, काफ़ी सही प्रोडक्ट है। 300 की ये मुझे 6 बॉटल्स रिसीव हुई थी, तो प्राइस वाइज भी मुझे ये काफ़ी सही लगी। सो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इस तरह से प्लेट में अरेंज करके भी हम किचन में इसे कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स कैसा लगा ये हॉल वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और दो तीन प्रोडक्ट्स ऐसी है जो मैं पर्सनली बोलना चाहती हूँ कि आप इसे ज़रूर से परचेज कीजिए, जैसे कि ये एक सीसम की वुडन ट्रे है, दूसरे है ये पीछे मेरे जो रखे हैं कैक्टस के सिरेमिक के
फ्लावर वास जो कि बहुत ही अच्छे है। सो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे ही प्रोडक्ट्स की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको कुछ भी चीज़ें पसंद आती है सो आप वहाँ से डायरेक्ट ही परचेज कर सकते हैं। और ये फर्स्ट हमारा हॉल वीडियो था और शॉपिंग हॉल मीशो शॉपिंग हॉल का फर्स्ट वीडियो था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।